इसराइल और हमास की तरफ, क्या लग रहा है आपको? कोई कोशिश की जा रही है दुनिया में किसी और कंट्री की तरफ से कि इस झगड़े को, इस वॉर को रोका जा सके? जी बिल्कुल, मैं तो पूरा श्योर हूँ कि एक जो बैक ऑफिस बातचीत होती है, वो बैकडोर डिप्लोमेसी, वो चल रही होगी। दुनिया में दो फाड़ हो गया है असल में, एकदम क्लियर कट डिवीजन है। जो पहले थोड़ी बहुत पॉलिटिकली करेक्ट होने की बात हुआ करती थी, वो खत्म हो गई है। इस बार वेस्ट ने साफ साफ कह दिया कि नहीं, हम इसराइल के साथ खड़े होंगे। पैलेस्टाइन के साथ जो सुपर पावर खड़ी भी है, जैसे आपका रशिया हो गया या चाइना हो गया, मगर उनका ये नहीं है कि वो ये कह रहे हैं कि जो पैलेस्टाइन ने किया वो ठीक किया और हमास टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि भाई इसराइल को डिसप्रोपोर्शनेट एक्शन नहीं लेना चाहिए। जैसे आज पुतिन साहब का बयान था कि इसराइल के पास राइट टू सेल्फ डिफेंस है, मगर वो डिसप्रोपोर्शनेट है। तो मतलब वो ये नहीं कह रहे हैं कि इसराइल एक क्या कह लीजिए, अग्रेसर स्टेट है, या इसराइल ने कोई इंटरनेशनल लॉ का वॉयलेशन किया है। सब लोग कह रहे हैं कि नहीं भाई, उनके पास राइट टू सेल्फ डिफेंस है, उन्हें अपने आप को बचाना होगा, तो वो जो कर रहे हैं वो ठीक है। हाँ, थोड़ा कम करें तो ज्यादा बेहतर होगा। तो मतलब इस्लामिक वर्ल्ड जो है उसको कोई सपोर्ट मिला नहीं, और मुझे लगता है कि आने वाले और 10-5 सालों में, 5-10 सालों में, अगर ये इस्लामिक वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट नहीं खत्म हुआ, तो आप ये दुनिया हो जाएगी ह्यूमन वर्ल्ड वर्सेस इस्लामिक वर्ल्ड, क्योंकि सारी दुनिया ह्यूमैनिटी की ओर चली जा चुकी है, वो मानवता वाले डायरेक्शन में जा चुकी है। तो मानवीय समाज वर्सेस इस्लामिक समाज, अब ये इस्लामिक समाज को सोचना है कि वो कहाँ जाना चाहते हैं। भाई हमास के जो लीडर थे, या जो कोई पैलेस्टाइन के जो जो कोई धर्म गुरु थे, इस्लामिक स्कॉलर, उन्होंने कहा कि इसराइल तो हमारा पहला है, उसके बाद दुनिया पे हमें फतह करनी है। अब ये कौन सा आपको मतलब यार स्पिरिचुअलिटी है ये, कि दुनिया पे फतह करनी है, लोगों के जबानों को खत्म करना है, लोगों के कल्चर को खत्म करना है, लोगों के हकूकों को खत्म करना है, इस्लामी हकूक होंगे, ये सब क्या मतलब, ये कौन सा मान सकता है? अरे आपको मानना है आप मानो, दुनिया को क्यों ले जाके दे रहे हो भाई? दुनिया खुशी है अपनी जिंदगी में, वो बहुत आगे बढ़ गई है। आप जो है दुनिया को पीछे खींच के ले जाना चाहते हो। और मजे की बात है, दुनिया के जो दुनिया में अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, जो टेक्नोलॉजी है, उनका यूज करके आप उनको पीछे ले जाना चाहते हो। तो ये लेकिन सर साथ मानसिकता कैसे हैं? सर साथ कैसे दिखाई दे रहे हैं आपको ये लोग, इस्लामिक कंट्रीज जो हैं या गल्फ कंट्रीज जो हैं वो फलस्तीन के? इसलिए कि आने तो उनको कोई नहीं दे रहा है, इजिप्ट ने भी अपने दरवाजे बंद कर दिए, बाकी कंट्रीज भी उनको आने के लिए मना कर रही हैं, तो फिर ये साथ में तो मुझे कहीं से दिखाई नहीं दे रहे। आपके ख्याल से ये सिर्फ एक दिखावा है या वाकई में ये इस्लामिक कंट्रीज आगे बढ़कर और जो है फलस्तीन को या हमास को वो सच में सपोर्ट कर रही है, या सिर्फ ये स्टेटमेंट की हद तक है? नहीं, साथ कहने से मेरा मतलब ये था कि किसी ने भी हमास को टेरर ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं कहा। यूएई ने एक दबे शब्दों में भर्त्सना की थी, कंडेमनेशन दिया था कि ये बहुत ज्यादा हो गया, मगर कोई हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं कह रहा, बात ये हो रही है। बाकी तो इस्लामिक वर्ल्ड में कोई यूनिटी नहीं है, वो एक देखिए एक अरेबिक जिसे कह लीजिए कल्चरल सुपीरियलिज्म को रिलीजियस का गार्ब पहना दिया गया है, और वो करना चाहते हैं, वो दुनिया पे अरबी कल्चर थोपना चाहते हैं इन द गार्ब ऑफ रिलीजन। भाई जिसको जो मानना है माने, लेकिन वो क्यों आपकी भाषा को माने, वो क्यों आपके लोकल लॉज को दुनिया का लॉज बनाना चाह रहे हो? जो भी लॉज आप लगाते हो वो सारे के सारे तो प्री इस्लामिक लॉज है यार, वो दुनिया का लॉ क्यों बनाना चाह रहे हो? तो पॉइंट ये कि इस्लामिक वर्ल्ड में इस हद तक तो यूनिटी है कि हमास टेरर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, लेकिन इस्लामिक वर्ल्ड इसके अगेंस्ट में वेस्ट से लड़ने जा रहा है ये नहीं है, दैट्स इम्पॉसिबल। कोई लड़ने नहीं जा रहा, क्योंकि जो लड़ने के लिए तैयार खड़ा है वो है ईरान, वो भी इनडायरेक्टली थ्रू द इंस्ट्रूमेंटेलिटी ऑफ हिजबुल्ला। हिजबुल्ला के इधर उधर बयान आ रहे हैं कि भाई आप कर ले, वरना तो देखिए ना, कल इन्होंने सीरिया पे बॉम्बिंग करी थी, और मेरे ख्याल से जॉर्डन के किसी एक एरिया पे बॉम्बिंग करी थी एयरपोर्ट पे इसराइल ने। क्या कर लिया इस्लामिक उम्मा ने? वो यलगार बोल दिया कि हम घुस के मारेंगे, किसी ने कुछ नहीं कहा। डिवीजन साफ है भाई, अफगानिस्तान पाकिस्तान का डिवीजन साफ है। आपका मैं आप ही के चैनल पे देख रहा था कि अफगानिस्तान ने मना कर दिया कि हम आपका हेल्प नहीं लेंगे। तो ये डिवीजन तो है ना, मगर ये एक ऑब्सेशन है कि अपने अंदर पहले खुद तो यूनाइट हो जाओ भाई, पहले खुद तो एक बन जाओ, फिर दुनिया को भी वो बनाने जाना जो तुम बनाना चाहते हो। आपका खुद का एक इस्लाम नहीं है, आपका एक अफगानी इस्लाम अलग है, आईएसआईएस का इस्लाम अलग है, अलकायदा का अलग है, लश्करे जांगवी का अलग है, हमास का अलग है, फतेह का अलग है, पीएलओ का अलग है, उसके बाद हिजबुल्ला का अलग है, उसके बाद हर किसी का अलग है भाई।
खुद तो एक हो जाओ फिर दुनिया को एक करने जाओ ना। तो ये जो दुनिया है इनके साथ नहीं है, हाँ वेस्ट के साथ, इसराइल के साथ वेस्ट खड़ा हो गया और वेस्ट के साथ जो बाकी दुनिया थी वो खड़ी हो गई है। किसी ने कंडेम अभी तक नहीं किया इसराइल को, कोई यूनाइटेड नेशन में रिजोल्यूशन नहीं स्पॉन्सर आया कि इसराइल को बैन करो, कोई अभी तक इस तरीके की एक्टिविटी नहीं हुई कि सिक्योरिटी काउंसिल का रिस्ट्रिक्शन लगाया जाए चैप्टर 7 में इसराइल के ऊपर फॉर द वायोलेशन ऑफ टू क्लॉज 4 ऑफ द यूएन चार्टर, यानी कि यूज ऑफ फोर्स, या किसी के लिए कोई नहीं हुआ। यूएन इज ऑल कीपिंग क्वाइट, यानी कि सबने पैर रख दिया। अगर इतना ही सऊदी अरबिया कह देता उससे, रशिया से या चाइना से कह देता, जी आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल सही आपका। जी सर बीच में फ्रीज हुआ था थोड़ी सी देर के लिए आपका मेरे ख्याल इंटरनेट नहीं, ठीक है सर बिल्कुल आपकी बात समझ रही हूँ। लेकिन बात सर ये है कि चाहे जंग कहीं भी हो, वॉर किसी भी कंट्री के बीच में लड़ी जा रही हो, सब जितनी बाकी कंट्रीज हैं उनके ऊपर भी सर आपके ख्याल से कुछ ना कुछ असर पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले भी यूक्रेन और रशियन वॉर को अभी तक लोग भुगत रहे हैं, और जब जब भी जंग हुई है चाहे वो अफगानिस्तान की ही सही जो अमेरिका ने यहाँ पे लड़ी, लेकिन उसका असर तो पूरी दुनिया में पड़ा। तो अगर ये जंग भी यहाँ नहीं रुकी और किसी जगह से अगर इसराइल ने जो है वो न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल कर लिए, जिसके लिए बहुत शक शुबा जाहिर किया जा रहा है कि हो सकता है, तो आपके ख्याल से उसके असरात पड़ेंगे दुनिया के ऊपर? देखिए स्पष्ट बात है, कोई न्यूक्लियर वेपन नहीं आने जा रहा, किसी भी इस्लामी मुल्क ने अभी तक अटैक नहीं किया, फ्रंट नहीं खोला। न्यूक्लियर वेपन तो तब आता है जब आप देखते हो कि हमारे पास कोई साधन नहीं है और अब मैं तो बर्बाद होने वाला हूं तो दूसरे को भी बर्बाद कर दो। न्यूक्लियर वेपन या तो फर्स्ट रिजॉर्ट होगा या तो लास्ट रिजॉर्ट होगा। न्यूक्लियर वेपन कभी भी आपका जो है कन्वेंशनल वॉर का रिजॉर्ट हो ही नहीं सकता। ये तो पहले इन्होंने जो कन्वेंशनल वॉरफेयर की स्कीम है, पहले इन्होंने पाउंडिंग की है थ्रू द एयर एरियल रूट, एयरफोर्स से इन्होंने बर्बाद किया, इन्होंने जो सस्पेक्टेड हाइड आउट थे उसके बाद अब ये अपना बूट्स ऑन द ग्राउंड ले जा रहे हैं टू मैप द एरिया, उसके बाद एक एक घर को सिक्योर करके गाजा के वो लोगों को बुला देंगे वापस। अब इन्होंने गाजा तो कंप्लीट पैलेस्टाइन कंट्रोल में था, ये पैलेस्टाइन की प्रॉब्लम है। ये जो पागलपन है ना, एक ही भाई हमारे, चूंकि आप तर्क है नहीं, एक ही ऑप्शन है कि या तो लड़ लो या तो लड़ लो या तो लड़ लो, हमें से हो जाओ या लड़ लो हमसे, इसके अलावा कोई माइंडसेट ही नहीं है। और मेरे एक अरबी दोस्त से मेरी बातचीत हो रही थी तो वो बता रहा था कि भाई ये तो हम 200 साल तक लड़ेंगे। ये भी है कि वो रिकंसिलिएशन या किसी और से वो जो क्या नाम है किसी और को एक्सेप्ट करने की भी एबिलिटी नहीं है, सब गलत है हम ही सही है। ये जो एक प्रॉब्लम है अरबिक वर्ल्ड के साथ, जो कि देखिए बार्बरिज्म और सिविलाइजेशन में क्या अंतर होता है, सभ्य समाज और बर्बर समाज में अंतर क्या होता है? बर्बर समाज के पास हर चीज का इलाज वॉयलेंस है, वो किसी की बात नहीं बदलते, एनुद बढ़ दो, किसी की थोड़ी सी लड़ाई हो गई एनु बढ़ दो, क्योंकि आप किसी को तर्क के थ्रू हरा नहीं सकते, आपके पास बोलने का कुछ नहीं, आप कह रहे हो मेरी बात मानो और नहीं मानोगे तो मेरे पास एक ही साधन है कि मैं तुम्हें मार काट दूंगा। तो एक बर्बर समाज जो होता है ना, एक बार्बरिक सोसाइटी, वो वॉयलेंस से अपनी बातें मनवाता है। एक तर्कशील जो समाज होता है, जो सभ्य समाज होता है, वो एंगेज करता है डायलॉग में, बातचीत में, डिप्लोमेसी में, एक दूसरे को समझने का प्रयास करता है, ओपन माइंडेड होते हैं। ओपन माइंडेड होने का मतलब ये नहीं है अंग्रेजी बोलना, ओपन माइंडेड का मतलब है दूसरों की विचारधारा को सुनने, समझने और एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहना। हो सकता है मैं कोई ऐसी बात बोलूं जो अर्जुन जी बोलते जो मुझे सही हो और मैं उसके लिए रेडी रहूं। मैं अगर प्री मेडिटेटेड हूं कि नहीं अर्जुन जी ने तो गलत ही बोलना है, सही तो सिर्फ मुझे बोलना है, तो बातचीत नहीं हो सकती, ये बात समझना पड़ेगा। और ये अरबिक सोसाइटी की एक प्रॉब्लम है, दे आर नॉट रेडी टू अकोमोडेट एनी अदर व्यू पॉइंट। आप देख ले जो पूरी दुनिया में जो इस्लामिक स्टेट है वो सिर्फ और सिर्फ अरबिक मुल्क है, और कोई इस्लामिक मुल्क नहीं है पाकिस्तान और अफगानिस्तान को छोड़ के, बाकी सारे सेक्युलर है। आज मैंने एक अपने यूनिवर्सिटी में कजाकिस्तान के एक प्रोफेसर साहब को बुलाया था, उन्होंने साफ साफ कहा हम लोग इस्लामिक कंट्री नहीं है। उनका हमारे यहाँ कुछ लोग इस्लाम जरूर मानते हैं, मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन, बट हमारी कंट्री इस्लामिक नहीं है, द लैंड इज नॉट इस्लामिक, इट्स अ कजाक लैंड। तो पॉइंट है कि ये जो अरबिक नेशन है ये दुनिया में किसी को अपनी अलावा जगह ही नहीं देना चाहता। अब वो धीरे धीरे कुछ खोलने की कोशिश करते हैं तो ये पैलेस्टाइन और हमास जैसे लोग ये हरकत कर देते हैं। अब आप बताइए, अगर आपकी लड़ाई है भी
क्या यूरोपियंस की जमीन नहीं गई है? तुर्की यूरोप की जमीन पे बना हुआ है। क्या इंडिया की जमीन नहीं गई है? क्या हिंदू लैंड का नुकसान नहीं हुआ है? कश्मीर, बांग्लादेश और पाकिस्तान, ये हिंदू लैंड पे बना हुआ है, ये हिंदुओं की जमीन है। यहाँ से ये गुरु नानक देव की जमीन है, यहाँ पे ये तक्षशिला की जमीन है, ये मोहनजोदड़ो हड़प्पा की जमीन है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा के लोग भगवान शिव शंकर के पूजा किया करते थे और भी दूसरे देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। तो ये हिंदुओं की जमीन है, वहां पे तो नहीं है कोई। सबने एक्सेप्ट कर लिया ना। कौन कह रहा है कि नहीं हम पाकिस्तान को बर्बाद कर देंगे, हम इनको ये कर देंगे? सब कह रहे ठीक है आप बदल के चलो, हटाओ, खेल खत्म करो। तो भाई सबने कुछ ना कुछ नुकसान सहा, तो तुम भी सह लो ना। और पैलेस्टाइन सऊदी अरब, जी जी सर, मैंने कहा पैलेस्टाइन का जो एरिया है, आप अगर बाइबल भी पढ़ ले और कुरान भी पढ़ ले, उस एरिया में बार बार कहा गया है कि वो यहूदियों को दिया गया है। बेसिकली अगर आप ना थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, तो ये जो आज वर्ल्ड रिलीजन बना हुआ है ना, ये वर्ल्ड रिलीजन नहीं था। अगर आप अब्राहम का, जो प्रॉफेट अब्राहम थे, उनका भी आप वो पढ़ ले, क्या नाम है, जो गॉस्पल है, उसमें उनको ये कहा गया है भगवान के द्वारा कि भाई ये जो है हमने तुम्हारे बच्चों को दिया है, हम तुम्हारे ग्रुप के भगवान होंगे। तो ये जो अब्राहमिक फेथ का भगवान है, बेसिकली कुल देवता थे, जिसको इन्होंने, ये आप चाहते हैं कि वो दुनिया का भगवान बन जाए। वो दिक्कत ये है, अगर आप जाके कुछ नहीं तो खाली बाइबल ही पढ़ ले। अगर आप बाइबल को भी पढ़ेंगे ना, तो आपको वहां पे, अगर आप बोलेंगी तो मैं पढ़ देता हूं आपको, सुनिए बाइबल के कुछ फ्रेजेस। गॉड प्रॉमिस्ड अब्राहम, आई विल गिव यू अनटू दी एंड टू दाई सीड आफ्टर दी द लैंड वेयर इन दाउ आर्ट अ स्ट्रेंजर, all the land of Canaan for an everlasting possession, and I will be their God. इसका क्या मतलब है? अब्राहम को भगवान ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे और तुम्हारी सीड, यानी तुमसे उत्पन्न होने वाले बच्चों का ये मैं जमीन देता हूं, जिसको आप पैलेस्टाइन कह रही हैं, और मैं उन तुमसे उत्पन्न हुए सारे जो बच्चे होंगे, मैं उनका भगवान होऊंगा। अब्राहम का भगवान, जो अब्राहमिक फेथ का भगवान था, वो अब्राहमिक फेथ का भगवान था। इन्होंने तलवार के थ्रू उसको दुनिया का भगवान बना दिया, एट द बेस्ट, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, और आई एम वेरी क्लियर अबाउट दैट, इट वाज अ कुल देवता। अब आप वो कुल देवता जो है वो दुनिया का देवता बन गया, दैट्स अ बिग प्रॉब्लम। उसको यह बनाने की कोशिश की जा रही है। अगर ये अपने देवता में खुश रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको आपका पसंद है, आप उसमें खुश रहे। बट द थिंग इज दैट कि आप जब कह दिया भगवान ने कि मैं तुम्हारा अब्राहम से उत्पन्न हुए बच्चों का मैं तुम वो बनूंगा, तो नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली सर यहाँ पे लोग जिस तरह से, एक मिनट मैम जी, जी शुरू करें। सही सर, मैं आपसे यही कह रही थी कि सऊदी अरब ने भी एक कुछ टाइम पहले ही अनाउंस किया था कि, बल्कि उन्होंने मोहम्मद बिन सलमान ने, कि हम तो जो है वो 5 साल में यूरोप बना देंगे सऊदी अरब को, साथ ही साथ इसराइल के साथ भी अपने टर्म्स जो है वो ठीक करने और बातचीत के लिए तैयार थे। मोहम्मद बिन सलमान ने ये भी एक इंटरव्यू में बात की थी। बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि ये जो हमास का अटैक है वो सऊदी अरब को रोकने के लिए भी है, तो क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? कौन किससे लड़ रहा है? मोनोथीज्म, मोनोथीज्म से लड़ रहा है। बिना मूसा के, बिना हजरत मूसा के, हजरत मोहम्मद नहीं पॉसिबल हैं। दोनों ही एक दूसरे से लड़ रहे हैं। मोनोथीज्म क्या कुफार से लड़ रहा है? मोनोथीज्म को मोनोथीज्म बर्दाश्त करने को नहीं तैयार है। एक खुदा को मानने वाले को बर्दाश्त तैयार नहीं है। दोनों कह रहे हैं हम दूसरे को मिटा के रहेंगे। तो ये मोनोथीज्म की प्रॉब्लम है ना, कौन किससे लड़ रहा है। अब ये जहां तक बात है सऊदी अरेबिया या इनकी, ये इनकी जब तक ये अपने आप को सेक्युलराइज नहीं करेंगे, कोई एक फॉर्मेट नहीं, बिकॉज कि उसमें जो लोग जो लिटरलिस्ट है, जो फंडामेंटलिस्ट है, फंडामेंटल का मतलब जो बेसिक कुरान को अप्लाई करना चाहते हैं, उनका बात सच है कि वो दुनिया को ले जाना चाहते हैं, दुनिया पहचाना चाहते हैं वो। तो पॉइंट ये है कि आप समाज के साथ चले, इस्लामिक उम्मा से आप ह्यूमन उम्मा बनाएं भाई।
उम्मा सही मानवों का बनाए, इंसानों का उम्मा बनाए। जब तक आप ये इस्लामी उम्मा का चूर्ण चलेगा, दुनिया में हर जगह ये प्रॉब्लम होगी कि लोग वहां पे एडजस्ट ही नहीं करेंगे। आप अरेबिक कल्चर को रिलीजन के नाम पे दुनिया का रिलीजन बनाने पे तुले हुए हो, नहीं हो सकता ऐसा। तो पॉइंट है कि अब ये जो दो तीन लीडर हैं, मोहम्मद बिन सलमान और अल नायन टाइप के लोग, जो अच्छे लोग हैं, मैं इनका बहुत सम्मान करता हूँ, मगर इनकी इनकी दिक्कत ये है कि यहाँ ये जिन लोगों से घिरे हुए हैं वो बड़े ही रिग्रेसिव लोग हैं। इनका समाज प्रोग्रेसिव नहीं है, ये तो प्रोग्रेसिव हो गए हैं क्योंकि समाज को इन्होंने इतना क्लोज करके रखा। यूएई तो फिर भी दुनिया में इधर उधर के लोग आते हैं तो देखता है। पॉइंट ये है कि आप अगर समाज को नहीं खोलेंगे तो राजा के खुलने से कुछ नहीं होगा। राजा बहुत बड़े दिमाग का भी हो लेकिन समाज नहीं हो तो राजा कुछ नहीं कर पाएगा। द इस्लामिक वर्ल्ड नीड्स अवेकनिंग, द इस्लामिक बिल्कुल वर्ल्ड नीड्स टू बी ह्यूमन वर्ल्ड, द इस्लामिक वर्ल्ड नीड्स टू बी रिनेसा। उनको पुनर्जागरण करना होगा। आपको रिलीजन कोई छोड़ने को नहीं कह रहा, मगर रिलीजन को स्पिरिचुअल कंटेंट बनाइए, रिलीजन को पॉलिटिकल कंटेंट मत बनाइए। आप कह रहे हो कि हम दुनिया पे अपना रिलीजन को ले जाएंगे और दुनिया के सारे लोगों को अपने अंदर सबड्यू करेंगे, वो हमारे नीचे रहेंगे। ये पॉलिटिक्स है या ये रिलीजन है? ये तो पॉलिटिकल बातें हुई ना। रिलीजन का मतलब होता है कि मुझे, मेरे दिमाग में कुछ प्रॉब्लम है, मैं बहुत परेशान हूं, मुझे चीजें नहीं मिल रही, तो मैं भगवान की, अल्लाह की शरण में जाके मंदिर में मस्जिद में कह रहा हूँ अल्लाह मेरी मदद करो, मुझे हौसला दो, मैं तुम्हारी ये करना चाहता हूँ, ये है। लेकिन अगर आप पॉलिटिकल टूल को कह रहे हो कि नहीं मेरा काम तो ये कि मुझे दुनिया जीतनी है, तो कैसे होगा फिर? तो पॉइंट ये है कि आपको ना थ्योरी में जाना पड़ेगा। सतही बातें करने से, ट्रांजैक्शनल बातें करने से प्रॉब्लम नहीं ठीक होंगी। तो सर इस्लामिक वही तो बात है ना सर, ये जितने ये मुल्ला माफिया हमारे यहाँ बैठे हैं और बाकी जगह पे जो ये चूरन रिलीजन का बेच रहे हैं, इनकी तो सर दुकान ऐसी से चलती है, इन्हें कौन रोकेगा? ये तो बहुत स्ट्रांग हो गए हैं पिछले 40-50 साल में, जो ये यहाँ पे इवन पाकिस्तान में भी यही कहा जाता है कि भुट्टो के जमाने में ऐसा नहीं था, लेकिन जियाउल के आने के बाद से और भुट्टो के जाने के कुछ टाइम पहले से जो है यही चूरन पाकिस्तान में चल रहा है, और अभी इतने स्ट्रांग हो गए हैं कि इनको रोकने वाला कोई नहीं है। आप किसी भी साधारण क्लास 5th ईयर के बच्चे को, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब पता है, अपना कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने को दे दीजिए, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन मुल्ला माफिया या जो ये हजरात है इनको ही स्ट्रांग करेगा। आपका कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटिशियंस को स्ट्रांग नहीं करता, क्योंकि आपके पार्लियामेंट के पास पावर नाम की चीज ही नहीं है। आपके पार्लियामेंट को जो भी लॉ बनाने हैं वो इस्लामिक दायरे के अंदर में बनाने हैं, और आपके पार्ले आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार से पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए लॉ को कोई एक इस्लामिक काउंसिल है जो रिव्यू करेगी। अगर वो कहेगी कि यह इस्लामिक लॉ है तो वो लॉ बनेगा, अगर वो कह दिए कि यह लॉ नहीं है तो वो लॉ भी नहीं बनेगा। तो कौन स्ट्रांग है? पावर किसके पास है? मैं लॉ बनाने वाला हूं, मेरे पास ये पावर होती कि मैं आपका पावर ले लूं, उल्टा आपके पास ये पावर है कि मेरी पावर ले लो। तो ये सामाजिक समस्या नहीं है आपकी, ये जो जिनकी जिन शक्तियों को आप कह रही कि वो स्ट्रांग हुए हैं, ये आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल समस्या है, ये आईनी समस्या है। आपका समाज का निर्माण, जिस समाज में जो बीज आप डाल रही हैं, वो बीज से यही फल पौधा निकलेगा। और आप दिक्कत ये है कि फल में देख रही है कि यार ये फल में प्रॉब्लम है, फलों में प्रॉब्लम नहीं है, बीज में ढांकी है आप। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन सर उम्मीद करते हैं कि कुछ ना कुछ बेहतर हो जाए इस्लामिक वर्ल्ड के लिए भी, ये लोग भी कुछ समझदार हो जाए और ये सब कुछ करना छोड़ दें, और बाकी जो है इनकी जो चल रही है इसराइल और फलस्तीन के बीच में, उधर भी अमन हो जाए और कोई ना कोई ऐसा सोल्यूशन उसका निकल आए जिससे हम दोबारा ये नुकसान होते हुए इंसानी जानों का ना देखें। थैंक यू सो मच सर, अपना ज्वाइन किया। जी, मैं बस ये कहूंगा सोल्यूशन तभी होगी जब, जैसे मैं एक बार फकर भाई के शो में था तो एक महिला थी, वो बोली थी ले चलिए मिल के टेररिज्म से लड़ते हैं। टेररिज्म का तो वैसे दो तीन पॉलिटिकल कॉज है, एक कॉज तो उसमें से यही है कि एक रिलीजन दूसरे को बर्दाश्त ही नहीं करता। बुरहान वानी को जब उनसे पूछे वो टेररिस्ट मानने को तैयार है, वो मिल के लड़े टेररिज्म अमेरिका के साथ। तो जो जो उस वॉर ऑन टेरर का जो पोस्टर बॉय था उसको अपने घर में रखे हुए थे, कह रहे हैं वॉर ऑन टेरर लड़ रहे हैं। तो पॉइंट ये कि ये जो डुप्लीसिटी है ना, ये तब तक नहीं जाएगी आरजू, आपको ये समझना पड़ेगा। जब तक आप, आज आपके चीफ जस्टिस साहब का बयान आया, वो कोई उनके पास वकील साहब गए, उन्होंने किसी इंडियन केस को कोर्ट कर दिया, चीफ जस्टिस साहब नाराज हो गए, उन्होंने कहा यार तुम इंडिया से क्यों सीख रहे हो, इस्लाम में जाओ, इस्लामिक लॉ में देखो इस्लाम में क्या है। तो आप अगर कॉन्स्टिट्यूशन इस्लाम और कुरान है आपका,
तो फिर चीफ जस्टिस साहब में और मौलवी साहब में और मुफ्ती साहब में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। काजी साहब भी तो कुरान की रोशनी में ही डिसीजन देते हैं, वही काम तो चीफ जस्टिस साहब भी कर रहे हैं, तो क्या अंतर है? अंतर है काजी, तो एक का नाम काजी है, एक का नाम चीफ जस्टिस साहब है। तो आप, मैं वही कहूंगा आरजू जी कि एक ही तरीका है, गो टू द पाथ ऑफ वेस्ट। आपके यहाँ पे जॉन लॉक पैदा होने की जरूरत है। आपके यहाँ पे लोग क्या कह रहे हैं, वो हमारे में कमियां बता रहे हैं। अपनी कमी बताने से पहले चार गाली हमको वो सुनाएंगे, हिंदुत्व राइज हो रहा है, हिंदुत्व बड़ा खटिया है, हिंदुत्व में। अब हम अपने पे आते हैं। अरे भाई पढ़ तो लो। एक तो ये दिक्कत है कि जो आपने एक्सेप्ट किया है उसके वो सेल्फ सस्टेनेबल थ्योरी नहीं है। उस थ्योरी के जैसे एक दो तरह के पेड़ होते हैं, एक वो पेड़ होता है जो अपना जड़ खुद से बनाता है और वट वृक्ष बन जाता है। कुछ ऐसे पेड़ होते हैं वो अपनी उनकी कोई वो नहीं है, उनको दूसरे का सहारा चाहिए बनने के लिए। बिल्कुल। तो आपकी जो थ्योरी है वो सेल्फ सस्टेनेबल थ्योरी नहीं है। उसमें पहले हमको विलेन दिखाना है आपको, और उसके बाद आपको थ्योरी में जाकर थोड़ी बहुत बतानी है। और आपके जो इंटेलेक्चुअल है वो भी यही कर रहे हैं, बिना पढ़े पूरे हिंदुत्व, हिंदुत्व सब चीज की जड़ है। तो भाई ठीक है, आप जब ये आपके स्वागत कर रहे हैं। नहीं बिल्कुल सर, और आजकल तो पढ़ना बड़ा आसान है क्योंकि इंटरनेट पे मौजूद है, वहां जाकर पढ़ ले। मैंने खुद भी पढ़ा है, मुझे मेरे दोस्तों ने बताया था, तो मैंने वहां गूगल करके और वो पूरी डिटेल्स पढ़ी है, और उन्होंने मुझे समझाया भी और मैंने उसको पढ़ा भी। तो कोई हर्ज नहीं है कि अगर वो पढ़ के और समझ के फिर उसके बाद बात करें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर ऐसा होता नहीं है। हम कुछ भी सीखने को तैयार नहीं। हिंदुत्व के साथ इस्लाम तो कोएग्जिस्ट कर सकता है, क्योंकि हिंदुत्व कहता है सबको सब मुबारक। अगर आप हिंदू हैं तो आप मुसलमान के साथ रह सकते हैं, पर प्रश्न ये है कि अगर आप मुसलमान हैं तो क्या आप हिंदू के साथ रह सकते हैं, क्या आप कुफार के साथ रह सकते हैं? तो पहले पढ़ती लीजिए थ्योरी में, आप उसको, आपको कोई नहीं कह रहा कि भैया रिलीजन को त्याग दो। आपको इतना ही कहा जा रहा है रिलीजन में से पॉलिटिक्स को त्यागो, जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट नहीं किया यूरोप में उसको त्यागो, उसके बाद जाकर के दूसरों में कमियां निकालो, उसकी उसकी जो है क्वालिटेटिव स्टडी करो। वो हजारों साल से है, भारत नहीं टूटा, भारत जुड़ा रहा। भारत की थ्योरी आज की दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट थ्योरी है, क्योंकि बाकी थ्योरियों के लोगों ने तो तलवार बनाया, वो एक साथ नहीं रह पाते। लेकिन भारत के एक झंडे के नीचे 30 स्टेट जो मुख्तलिफ जवाने बोलते हैं, मुख्तलिफ उनकी रहने का तरीका है, मुख्तलिफ स्किन टोन है, लेकिन वो अपने आप को इंडियन कहते हैं। डिस्पाइट ये कि 700 साल से इस थ्योरी के ऊपर अटैक किया गया, दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग सीमेंट अगर कोई है तो वो थ्योरी ऑफ इंडियननेस है, वो थ्योरी ऑफ वैदिक एग्जिस्टेंस है, वो थ्योरी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन है, जिसको कोई तोड़ नहीं पाया। आप उर्दू को आपने अपनी भाषा बनाई, उर्दू को कोई एक्सेप्ट नहीं किया। हमारे यहाँ हिंदी को लेकर के गालियां पड़ती हैं, लेकिन बंगाली भी हिंदी बोलते हैं, तमिल भी हिंदी बोलते हैं। वो भले ही कहेंगे तो हम पे थोप रहे हो थोड़े बहुत चार पांच लोग। सर उर्दू तो खुद मिक्सचर है डिफरेंट लैंग्वेजेस का, जिसमें हिंदी भी शामिल है, संस्कृत भी शामिल है, अरेबिक भी शामिल है। मेरे कहने का मतलब था कि उर्दू को आपने यूनिफाइंग फैक्टर बनाया ना, उर्दू को आपने लैंग्वेज ऑफ इस्लाम बना दिया। आप वो लैंग्वेज ऑफ इस्लाम, तो लैंग्वेज ऑफ इंडिया, तो अगर हिंदू को हिंदी को या संस्कृत को बनाओ लोग एक्सेप्ट कर लिए। ऐसा नहीं कि नहीं होता है, डिस्प्यूट होता है, लोग कहते हैं हम पे हिंदी थोपी जा रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कि उनको बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि उसी में से कई लोग हिंदी भी बोल रहे हैं, वो भी बोल रहे हैं। वो एक पॉलिटिकल नैरेटिव चलता रहेगा कि ये हो रहा है, कभी कर्नाटक में इधर कोई जाके हिंदी को पोत देगा, वो ठीक है, वो हमारे 10 करोड़ 1 अरब 50 करोड़ लोग हैं, कुछ ना कुछ होगा। लेकिन थ्योरी की दम देखिए, कन्नड़ भी कहता है इंडियन, तमिल भी कहता है इंडियन, बंगाली कहता है इंडियन, उड़िया कहता है इंडियन, राजस्थानी कहता है इंडियन, हरियाणवी कहता है इंडियन, पंजाबी कहता है इंडियन, कश्मीरी कहता है इंडियन। ये है थ्योरी। अरे सर ये तो आप बात कर रहे हैं भारत की, जहाँ पे बैठ के लोग एक दूसरे को ये कहते हैं। आप यहाँ पूछिए, जो लोग आए थे 1947 के बाद, पार्टीशन के बाद यहाँ पर आए हैं, उनकी जैसे कि मैं किसी से यहाँ पंजाब सेक्टर में या पंजाब प्रोविंस में किसी से बात करूं, तो वो मुझसे सबसे पहला सवाल ये करते हैं क्या हिंदुस्तानी हो, क्योंकि वो जो एक्सेंट है मेरी उसकी वजह से वो मुझे खट करके पकड़ लेते हैं कि ये यकीनन कोई उर्दू स्पीकिंग है या ये इंडिया से आए हैं। अभी तक वहां से जो भारत से लोग आए थे, मुहाजिर कहलाते हैं, अभी तक उनको हिंदुस्तानी कहा जाता है,
और पूछते हैं लोग, बकायदा पूछते हैं, अभी भी मुझसे पूछते हैं, ये नहीं कि मैं आपको कोई पुरानी बात बता रही हूँ, आजकल भी पूछते हैं। अगर कोई फर्स्ट टाइम मुझसे मिलेगा और उसकी जुबान पंजाबी, सिंधी या कोई दूसरी लैंग्वेज होगी, वो मेरी उर्दू या मेरी हिंदी सुन के ये पूछेगा कि क्या आप हिंदुस्तानी है, और मुझे हाँ करनी होती है, मैं ना नहीं कर सकती, मैं हाँ खत्म हो गई। जब छोटी थी मुझे समझ में नहीं आता था कि लोग क्यों पूछते हैं और ऐसा क्या होता है, क्योंकि घर में भी कोई बात नहीं होती थी, पेरेंट्स ने भी कुछ नहीं बताया था, तो मुझे हाँ जरूर कर देती थी सबको कि हाँ है। अब जाके समझ में आया कि क्या चक्कर है, तो सर वहां क्या यहाँ भी यही हाल है, लेकिन और बाहर दूसरी बात ये कि एक हिंदुस्तानी दूसरे हिंदुस्तानी से बोला तुम हिंदुस्तानी हो, ये सबसे दुखी बात है। पाकिस्तान में है सब बिल्कुल हिंदुस्तानी, अगर यार तक्षशिला की धरती पे हिंदुस्तान नहीं होगा, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में हिंदुस्तान नहीं होगा, भगवान राम के शहर लाहौर में हिंदुस्तान नहीं होगा, तो फिर हिंदुस्तान कहाँ होगा? कराची सिंध में, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। तो यार ये तो अब एक हिंदुस्तानी का इसलिए कि हमारा रिलीजन अलग है, सोचें जरा। सारे जहनीयत का अंदाजा लगाइए कि मैंने अपना नाम उर्दू में भी लिखा है, इंग्लिश में भी लिखा है, हिंदी में भी लिखा है। इंग्लिश पे किसी को एतराज नहीं, कोई ये नहीं कहता कि ये कोई इंग्लैंड की है या अमेरिका की है कि वहां चली जाए। नहीं, 2-3 दिन पहले मुझे किसी ने लिखा कि भाई इसने नाम हिंदी में क्यों लिखा है, इसको बोलो फिर इंडिया चली जाए। तो मैंने कहा भाई मुझे कहीं यूरोप में भी भेज दो, तो लिख पर तो उनसे इंग्लिश में भी ये लिखा हुआ है। आजू जी कि क्या मुसलमान होने के लिए हिंदी से नफरत जरूरी है? हाँ ऐसा ही उनसे ये है। पूछ कि क्या ये कहा गया है किसी भगवान के द्वारा कि भाई तुम्हें अगर मुसलमान बनना है तो अपनी हिंदी और संस्कृत और बंगाली और तमिल और तेलुगु से नफरत करना जरूरी है? ये क्यों है? बिल्कुल ये कौन सा भगवान ये कह रहा है कि तुम एक भाषा से नफरत करो? ये कौन सा माइंडसेट है? मैं कहता हूँ उर्दू मेरी भी, मुझे उर्दू से बहुत प्यार है, मुझे अरबी से भी प्यार है, खूबसूरत जबानें हैं, इंसानों की जबानें हैं। मैं सऊदी अरेबिया में जाता हूँ या मैं इसराइल में गया था, जितने मुझसे अरबी फ्रेंड मिलते थे या वो गुजरा जो यहूदी फ्रेंड होते थे, मैं उनको शलोम कहता था, मैं उनको असलाम वालेकुम रहमत व बरकातु कहता था, क्योंकि है वो उनकी जबान, मुझे सर मेरे प्राउड घर है अरबी से। में मेरे पेरेंट्स दोनों ही, मतलब मदर मेरी सभी को मालूम है दिल्ली से आई थी, फादर मेरे प्रयागराज या इलाहाबाद जो होता था वहां से आए थे। तो मेरे घर में तो सर 60% हिंदी वर्ड्स यूज होते थे। इसी वजह से जब मैं इंडियन टीवी पे गई थी फर्स्ट टाइम शो करने, तो वहां पे बाकी पैनलिस्ट की तरह मुझे उनके क्वेश्चंस या कुछ समझने में मुश्किल नहीं होती थी जो कि इन लोगों को होती थी। लेकिन ये जरूर है, अच्छा मैच चल रहा है अभी तक भारत के होम मिनिस्टर साहब मैच देखने आए हैं। ना, नहीं ये अच्छा हो गया क्योंकि आप लोग जीतने लगे ना इसलिए। लेकिन मैं आपको यही बता रही थी, इसलिए मुझे हिंदी तो घर में बोली जाती है, मुझे कोई टेंशन नहीं होती समझने में, लेकिन बाहर हमारे यहाँ लोगों को ये पूरा बात पाकिस्तान हजम हिंदी करने में बोलता मुश्किल है होती और है। बोलता उसको उर्दू है, पाकिस्तान की तो ये गफलत है ना, बोलता है हिंदी है कहता है उर्दू है। बिल्कुल ऐसा ही है, अरे बिल्कुल तो ऐसा ही यार सर। मतलब खुदा का लेकिन सर खौफ पता करो। नहीं सर कब सुधरेंगे मालूम नहीं, लेकिन उम्मीद रखनी चाहिए। थैंक यू सो अता मच सर तुर्क से सीख ले, जी। मैं इनके हाथ जोड़ रहा हूं, आप अता तुर्क से सीखो, जब ओटोमन अंपायर